हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे हो गया है सर्दी और मैं अपने लिए जाके बनाने वाली हूँ काढ़ा। सो आई थॉट लेट्स शेयर विद यू कि मैं कैसे अपने काढ़ा को बनाती हूँ। और वैसे वीडियो भी कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं, एक वीडियो भी बन जाएगा और मेरा काढ़ा भी बन जाएगा। तो चलिए पहले बना लेते हैं अपना काढ़ा। यहाँ की हूँ अपने किचन में, और यहाँ पर पहले हम पानी थोड़ा सा देंगे। इस पानी को लेकर हम इसे यहाँ पर रख देंगे एंड इंडक्शन लगा देंगे। इंडक्शन लग गया है एंड स्लो कर देते हैं पहले। तो ये जब तक हो रहा है तो पानी थोड़ा सा हम बॉइल करेंगे, तब तक ना मैं ये डाल देती हूँ। ये है मेरे पास दिख नहीं रहा मैं इस। मैंने यहाँ पर सेटअप चेंज कर दिया क्योंकि इंडक्शन का नेटवर्क नहीं मतलब कि इंडक्शन का वोल्टेज चला गया था, तो मैंने चेंज कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं ये दिख रहे हो, ये आपको लेना है, ये फर्स्ट इंग्रेडिएंट है जो लेना है। हमारे यहाँ इसे मिश्री बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इसको मैं ना थोड़ा सा इसे साइड कर दूँ पहले मैं। क्या क्या करना पड़ता है वीडियो के लिए यार। तो इसे मैंने थोड़ा सा जो है वो मैंने इसके हाथ से इसे थोड़ा सा कोट लिया है और हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको कलेक्ट करके हम सबको डाल देंगे पानी के अंदर। इसे मिश्री कहते हैं। गैस बंद नहीं हो गया तो ना ठीक हुआ है। तो इसे हम मिश्री के पानी के अंदर डाल देंगे। आपको जितना ज़्यादा आपको जितना भी मीठा पसंद है आप वैसे ही डाल देना। मुझे थोड़ा सा कम मीठा पसंद है, तो मैं कम वाले मीठे में कर रही हूँ, ठीक है। तो डाल दीजिए। तो इसे पहले मेल्ट होने देते हैं, तब तक मैंने जितना भी बिगाड़ा है साइड में तो उसको मैं पहले समेट लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे ब्लैक पेपर कॉफ जो कि है इस नेस्कैफे के कॉफ़ी के बोतल में। तो पहले इसे निकाल देते हैं और इसे मैं यहाँ पर रख दूँगी। बहुत ढेर सारा हम देंगे ब्लैक पेपर, क्योंकि इसका ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस काढ़े में। तो हम बहुत सारे ढेर सारे लेंगे। मुझे तो बहुत ही लेना पसंद, अगर आपको ज़्यादा पसंद नहीं है तो मत लेना। और अब मैं इसे कूट दूँगी, तो कूट देते हैं पहले। यहाँ पर जो है मैंने कूट लिया है अपना ब्लैक पेपर, और अब मैं इसे इसके अंदर डाल दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे छोटू सा जिंजर और भी हम फूड डालेंगे मस्त। अब इस आटे को हम इस जिंजर को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने यहाँ पर कम जिंजर लिया है, छोटू सा ही, क्योंकि हमने जो ब्लैक पेपर था वो बहुत ही ज़्यादा डाल दिया था। इसलिए अगर आप कम ले रहे हो तो और थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हो। वैसे भी ये थोड़ा सा स्पाइसी हो गया होगा, इसलिए मैंने छोटा सा आधा लिया है मतलब जिंजर। उसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा तेज पत्ता डाल देंगे, और अब इसे बस आप हम फूटने देंगे जब तक ये पूरी तरह से बॉयल नहीं हो रहा है। जैसे बॉयल तो हो रहा है, अब हम इसे पूरी तरह से बॉईल कर दें जब तक पानी आधा ना हो जाए। तो गाइस, अभी हमारा काढ़ा बन गया है और पानी पूरा आधा हो गया है, तो अब हम इसे निकाल देंगे। यहाँ पर जो है मेरा काढ़ा बन के रेडी है। तो 100% जो है कि आपको ये काढ़ा पीकर राहत तो आपके खांसी से ज़रूरी मिलेगी। मेरा काढ़ा यहाँ पर रेडी हो गया है, मैं जा रही हूँ इसे पीने। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।